श्री जाहरवीर महाराज की व्रत कथा सुनिए। एक बार भूतनाथ महाराज जी से संतों ने मिलकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ योगी, इस घोर कलयुग में वो कौन सा कर्म है जिसके करने से मनुष्य मनुवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। हे महागुरु जी, कोई ऐसा सरल श्रेष्ठ व्यक्ति का मार्ग बतलाओ जिसके करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो। यह सुनकर भूतनाथ जी बोले, हे संतजनों, आपने बड़ा ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस घोर कलयुग में जितने भी पुण्य कर्म हैं उस सब में जो उत्तम और सरल भक्ति का मार्ग है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बोलो श्री गोरखनाथ जी की जय, श्री जाहरवीर बाबा की जय। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगड़नाथ ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति स्वरूप हैं। हे जगतनाथ, आप ही सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिस समय मनुष्य की बुद्धि मलिन होकर पापों में लिप्त हो जाएगी, उस समय मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिसके कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी, तरह तरह के पाप बढ़ जाएंगे, आपस में भाईचारा समाप्त हो जाएगा, पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, पत्नी अपनी मर्यादा को तोड़ देगी, भाई भाई के माल को हड़प लेगा, संसार में चोर डाकुओं का आतंक बढ़ जाएगा, साधु संत भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे, गृहस्थी अपने दायित्व से मुख मोड़ने लगेंगे, देवी स्वरूप कन्याएं अपने कौमार्य को नष्ट करने लगेंगी। उस समय धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे, संसार में भुखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा, तब वह कौन सा शुभ कार्य होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा। ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी बोले, हे परम शिष्य, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्य को कोई भी सेवा धर्म कर्म शांति प्रदान कर सकेगी, मनुष्य विषयों में लिप्त हो जाएंगे, योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय में मेरे ही अंश अवतार जाहरवीर गोगा जी के व्रत पूजन से ही मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएंगी, निर्धन बलवान बन जाएगा, असाध्य रोगी आरोग्य सुख को प्राप्त करेगा, मूर्ख को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की निश्चित ही समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। हे शिष्य, केवल तुम्हारे प्रश्न करने पर यहाँ उपस्थित संतों एवं भक्तों को विश्व कल्याण हेतु अब मैं जाहरवीर गोगा जी की व्रत कथा सुनाता हूँ, सभी ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए जाहरवीर गोगा जी की जय। श्री जाहरवीर व्रत विधि। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने श्री जाहरवीर गोगा जी के व्रत पूजन से होने वाले लाभ को सुना। अब मैं कथा प्रारंभ करने से पहले श्री जाहरवीर गोगा जी के व्रत पूजन की विधि का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि बिना विधि के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। हे भक्तजनों, प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री जाहरवीर गोगा जी का व्रत किया जाता है, तथा इनका विशेष व्रत सावन व भादों की नवमी को किया जाता है। सावन और भादों की नवमी के इन दो व्रतों का विशेष ही फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु इनकी 9 या 11 व्रत करनी चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो श्री जाहरवीर एवं गोरखनाथ की तस्वीर या प्रतिमा को अपने से ऊंचे आसन पर स्थापित करें। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र डाल दें तथा प्रतिमा के पास एक छोटा सा नीला झंडा खड़ा करें। बाद में घी का दीपक और धूपबत्ती तथा अगरबत्ती जलाकर फल पुष्प गंध आदि से उनका श्री पूजन करें। पूजन में श्री जाहर चालीसा स्त्रोतम कथा आरती एवं जाहर मंत्रों से पूजन करें और संकल्प करें, हे जाहर बाबा, मैं आपकी कृपा पाने के लिए आपका व्रत धारण करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर जाप करें, सबसे प्रेम भाव रखें, शाम को सूर्यास्त के समय प्रातः की भांति पूजन कर हलवे पूरी गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोल लें।
हे भक्तों, जो भी मनुष्य इस विधि से श्री जाहरवीर व्रत पूजन करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम अपना ध्यान एकाग्र कर ये कथा सुनो। प्रेम से बोलो, जाहरवीर गोगा जी की जय। पहला अध्याय, गंगाराम को जाहर दर्शन। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तों, अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें जाहरवीर के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, श्री जाहरवीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताकी नाग को बुलवाया और स्वयं भी नाग रूप धारण कर रात्रि में गंगाराम को स्वप्न में जाकर नाग रूप में ही दर्शन दिए। यह देखकर गंगाराम घबरा गया। तब जाहरवीर ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भक्त, तुम डरो मत, मैं जाहरवीर हूँ। तुमसे जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे भक्त, ददरेड़ा नागर के क्षेत्र में जहाँ मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण कर तुम वहाँ मेरी महाड़ी बनवाओ और वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो तथा विश्व मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी महाड़ी पर आकर नीला निशान झंडा चढ़ाएगा और जो मेरा नेजा व छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा तथा घर घर में मेरी जोत जगाएगा, वह मेरा प्रसिद्ध भक्त कहा जाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान ना हो, वो मेरी जात स्वीकार करे और इच्छा पूर्ण होने पर मेरी जात दे, उसकी अनिच्छा भी पूर्ण हो जाएंगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण कर जो मेरा पूजन करेगा उसके कुल का नाम उजागर हो जाएगा। हे भक्त, ऐसा कोई फल नहीं है जो मेरी भक्ति से प्राप्त ना हो। ऐसा कहकर श्री जाहरवीर गोगा जी ताकी नाग सहित अदृश्य हो गए। हे भक्तो, रात बीतते ही गंगाराम ने जाहरवीर का प्रचार शुरू किया तथा श्री जाहरवीर की महाड़ी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण कर श्री जाहरवीर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उनके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे तब से ही भक्तगण पवित्र श्री जाकर जहाड़ महाड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मुराद पूरी करने लगे। हे भक्तों, आज भी जो सच्चे मन से बागड़ यात्रा जाहरवीर व्रत पूजन सेवा करता है उसे मनोवंचित फल की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, जो भी जाहरवीर की भक्ति स्वीकार कर इस कथा का प्रचार करेगा उसे चारों फल की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें उन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्री जाहरवीर बाबा का व्रत पूजन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। बोलिए जाहरवीर बाबा की जय, बोलो गुरु गोरखनाथ की जय। धन्यवाद। अब आगे आप हमारी कथा दूसरे भाग में सुनिए।